आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। एक सप्ताह के लिए बढ़ाई गई धान खरीद की तारीख, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की बड़ी घोषणा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज किसानों को एक और बड़ी राहत दी है। सीएम ने किसानों के हित में धान खरीदी की अंतिम तारीख को एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है। अब 31 जनवरी के बाद भी किसान धान बेच सकेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ही धान खरीदी की तारीख बढ़ाने को लेकर संकेत दे चुके थे। सीएम ने कहा कि किसानों के हित में जल्द ही फैसला लिया जाएगा। वहीं आज गोधन न्याय योजना की किस्त जारी करने के दौरान सीएम ने तारीख बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसानों के हित में धान खरीदी की अंतिम तारीख एक सप्ताह और बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। बता दें कि पहले 31 जनवरी तक धान खरीदी की अंतिम तारीख थी, वहीं किसानों को एक सप्ताह का और समय मिल गया है। देखिए मुख्यमंत्री का ट्वीट। वहीं भारतीय जनता पार्टी के विधायकों पूर्व कृषि मंत्री बिरज मोहन अग्रवाल ने कहा कि यह सरकार किसानों को 2500 समर्थन मूल्य देकर किसानों को खरीद लिया है। ऐसा लग रहा है यह सरकार पहले सही एक महीने की देरी से धान खरीदी चालू करी है, और जो अभी बेमौसम बारिश हुई उसे किसानों का धान भीग गया था। किसान लोग परेशान हैं और मंडी में किसानों का धान सूखने के बाद लिया जा रहा है और किसानों को समय पर खाद उपलब्ध नहीं करा पा रही है। हम तो टीवी पहले से कह रहे थे कि धान खरीदी एक महीना बढ़ना चाहिए, क्योंकि किसान का धान एक महीने बाद खरीदना शुरू हुआ। किसानों का धान भीग गया, खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा। सरकार को धान खरीदने के लिए और समय देना चाहिए। निश्चित रूप से हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं कि सरकार ऐसा लगता है कि 2500 रुपए धान का मूल्य देकर किसानों को खरीद लिया है, एक महीना लेट धान खरीद रहे हैं, किसानों को 2500 रुपए की राशि 4 किस्तों में दे रहे हैं, एक महीना लेट धान खरीदने के कारण किसानों का धान भीग गया, उनकी फसलें खराब हो गई, 15 दिनों में धान की खरीदी कम की गई और उसके कारण किसान परेशान है। गीला धान उनका खरीदा नहीं जा रहा है, किसान को धान सुखाना पड़ रहा है और इसलिए किसान के कम भी 15 दिन से एक महीने के लिए किसानों की तारीख बढ़ाई जानी चाहिए। ये सरकार किसानों को भी उनकी ज़मीन की नपाई कर रही है, उनको ड्रिप स्प्रिंकलर नहीं मिल रहा है, उनको खाद में सब्सिडी नहीं मिल रही है, उनको बीज में सब्सिडी नहीं मिल रही है। तो ऐसा लगता है कि 2500 रुपए देकर उन्होंने सब कुछ कर दिया और सबको लूटने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन सरकार तो कह रही है कि हम तय समय पर ही धान खरीदी कर लेंगे, डेट बढ़ाने की जरूरत कैसे कर लेंगे? आंकड़ा पूरा करने के लिए अगर आप कोई भी खाना पूर्ति करते हैं तो ये उचित नहीं है। हकीकत अगर किसानों का टोकन कटा है और टोकन में नहीं खरीदी हो रही है तो उनके टोकन का रिन्यू कौन करेगा, नए टोकन की व्यवस्था कौन करेगा, नए रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था कौन करेगा? जो किसानों का धान नहीं बेच पाए, बहुत सारे किसानों का तो कंप्यूटर में पूरा वाइप आउट हो गया है, उनके आंकड़े नहीं हैं, उनको सुधार कौन करेगा? अगर आप खरीद लोगे तो आपको समय बढ़ाने में दिक्कत क्या है? ठीक, आप आपाधापी में और किसानों को परेशान करोगे और परेशान करके खरीदोगे, उससे कोई फायदा नहीं। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बीबीसी लाइव।